बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000। तो 30,000 के प्राइस रेंज में लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, लेकिन सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं जो मैंने इतने प्राइस रेंज में लैपटॉप में रखा हुआ है। बेसिक क्राइटेरिया जो है मैंने रखा हुआ वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। भाई जितने भी लैपटॉप बताऊंगा इनमें 8GB रैम तो मिलने वाली है, रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन भी बताऊंगा एंड 256GB SSD मिलने वाली है। इतने प्राइस रेंज में HDD मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करता, आपने HDD की ओर जाना भी नहीं है। अगर आपने बाय करनी है तो भी SSD बाय करनी है। SSD क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है एज कंपेरिजन किया जाए HDD के साथ। OpenGL तो विंडो 11 होनी चाहिए, DOS हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एंड जो CPU चाहिए ना वो भाई बेसिक कामों के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। बेसिक काम मतलब अगर आपको डाटा एंट्री करनी है, अगर आपको डॉक्यूमेंट एडिट करनी है, अगर आपको राइटिंग करनी है, ऑफिस वर्क के रिलेटेड चाहिए, MS ऑफिस पे काम करना है, ब्राउजिंग करनी है, जब फोटोशॉप करनी है, इस लैपटॉप पे फोटोशॉप कर सकोगे आप। एंड मैं आपको बता दूं जो फोटोशॉप की बेसिक रिक्वायरमेंट है ना उनको ये पूरा कवर करेगा ये लैपटॉप जो मैं आपको अभी रिकमेंड करने वाला हूँ। टॉप 3 बताऊंगा तो बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर मैंने रखा है Acer Extensa को। तो यार नंबर 3 पर इसको रखने का एक रीज़न है कि मेरे को इंस्टाग्राम पर DM आया था कि भाई मैं 30,000 के प्राइस रेंज में Acer Extensa बाय कर सकता हूँ कि नहीं बाय कर सकता। तो भाई मैं ये लैपटॉप आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको ये लैपटॉप रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा। बिकॉज ये लैपटॉप आपको 28,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में Amazon पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशन अच्छे हैं, मैं इसको ऐसे नहीं कह रहा कि स्पेसिफिकेशन अच्छे नहीं है, लेकिन इसका CPU मेरे को नहीं अच्छा लगा। बिकॉज इतने प्राइस रेंज में मैं आपको Ryzen 3 3250U सीरीज के CPU बताने वाला हूँ। तो अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है N5030 से तो भाई वो CPU बाय क्यों करना। सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों में Ryzen 3 3215U जो CPU आता है ना इसकी परफॉर्मेंस मच बेटर है। तो हमने Acer Extensa को इतने प्राइस रेंज में बाय नहीं करना, बिकॉज भाई इसका CPU जो है ना वो माइनस पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है। लेकिन इसके और स्पेसिफिकेशन लाइक 8GB रैम है, 256GB SSD है, OpenGL विंडो 11 देखने को मिलेगी, इतने प्राइस रेंज में आपको फुल HD डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। तो ये प्लस पॉइंट है एंड रैम को भी आप इस लैपटॉप में अपग्रेड कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं है। ब्लैक कलर लुक डिज़ाइन हर एक चीज़ परफेक्ट है इस लैपटॉप की। पंजाबी में ऐसे कहते हैं, अगर इसका दिल्ली कमज़ोर है तो आप इन्हों क्यों बाय करना। हम इसको क्यों बाय करेंगे यार, अगर इसका दिल्ली कमज़ोर होगा तो हम इसको बाय नहीं करने वाले। सभी बंदों को मैं यही बोलूँगा भाई इस लैपटॉप की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर आप बाय करने का सोच रहे हो 28,990 रुपीज़ के प्राइस रेंज में, आप अपना पैसा खराब कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर मैंने रखा है HP 14S को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं तो 26,690 रुपीज़ के प्राइस रेंज में मिल जाता है। तो Acer Extensa से इसका बजट देखो, ये 28,990 एंड ये 26,690 रुपीज़ के प्राइस रेंज में इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि आपको खुद पता चल जाएगा। आपको 8GB रैम मिलेगी, रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिलेगा इस लैपटॉप में, 256GB SSD देखने को मिल जाती है, 14-inch के साथ डिस्प्ले देखने को मिलेगी, HD डिस्प्ले है, फुल HD नहीं है याद रखना, HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, AMD Radeon GPU देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 डुअल स्पीकर्स के साथ देखने को मिलेगी, MS Office 2021 देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, 1.41 kg इस लैपटॉप का वेट है। तो स्पेसिफिकेशन आपके सामने, मैं एक बार आपको रैम भी शो कर देता हूँ आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको DDR4 रैम मिलेगी एंड 16GB रैम आप अपग्रेड कर सकते हो इस लैपटॉप में, 256GB SSD देखने को मिल जाती है, वाईफाई की सपोर्ट मिलेगी, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 देखने को मिलेगा, 720p वेब कैमरा, पोर्ट्स वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी, A to Z जो बेसिक पोर्ट्स होते हैं ना वो हर एक चीज़ आपको इस लैपटॉप में मिल जाती है। तो HP एक ट्रस्टेड ब्रांड है, अपने इंडिया में बहुत बिकता है ये लैपटॉप। तो बेसिक कामों के लिए जैसे मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, डाटा एंट्री करनी है, MS ऑफिस पे काम करना है, फोटोशॉप यूज़ करना चाहते हो, वो हर एक चीज़ आप इन लैपटॉप पे कर सकते हो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो बाय करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका। अगर आपको इस लैपटॉप को चेकआउट करना है तो भी चेकआउट भी कर सकते हो, चेकआउट करने के पैसे नहीं लगते, ठीक है, जितना दिल खोल के देखना चाहते हो दिल खोल के देख सकते हो। तो मेरी ओर से रिकमेंड आपको ये, अगर आप अपना बजट 30,000 लेकर जा रहे हो या 30,000 से बहुत बजट आपका कम है तो इस लैपटॉप को कंसिडर जरूर करना, देखना जरूर, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर मैंने रखा है Acer One14 को। तो ये बिजनेस के लिए लैपटॉप होने वाला है। आपके सामने Ryzen 3 3250U सीरीज का CPU देखने को मिलेगा, 2 कोर एंड 4 थ्रेड के साथ, 8GB रैम है, रैम अपग्रेड कर सकते हो, 256GB SSD है, AMD Radeon GPU देखने को मिल जाएगा इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, MS Office भी देखने को मिल जाता है, 14-inch के साथ आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलेगी,
सो टू कोर के साथ देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू कोर एंड फोर थ्रेड के साथ सीपीयू देखने को मिलेगा एंड 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ओपन सिस्टम विंडो 11, इसमें भी आपको पोर्ट्स की दिक्कत रहेगी, HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, टाइप ए, टाइप सी, वो हर एक चीज़ लैपटॉप में मिल जाती है। तो रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिलेगा। प्लस पॉइंट की बात करते हैं, रैम इसमें आपको 32GB रैम अपग्रेड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यार अभी मैंने आपको 3 लैपटॉप पर रिकमेंड कर दिया, लेकिन तीनों में से मैं आपको सिर्फ 2 लैपटॉप पर रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये लैपटॉप बाई कर सकते हो। एक आता है Acer 114, एक आता है HP 14S। अगर आपका बजट 30,000 से कम है भाई, आप Acer 114 की ओर जा सकते हो। अगर आप अपना बजट 25,000 या 26,000 लेकर जा रहे हो तो आप HP 14S की ओर जा सकते हो। तो दोनों के बाइंग लिंक, दोनों के नहीं वैसे तीनों के बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो मेरी वीडियो भी यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। आपका बहुत 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 थैंक यू यार।